कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 26 जनवरी 2023 को ये जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में नई जान आई है। पार्टी में जैसे नए रक्त का संचार हुआ है, बोझिल हो चुके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है। कांग्रेस का मानना है इससे स्थितियों में पॉजिटिव परिवर्तन आया है। इसी वजह से एक सवाल अब लगातार उठ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से मिले मोमेंटम को खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जुड़ेंगे। मोमेंटम बना हुआ है उसको आगे रखने के लिए दूसरा कार्यक्रम राज्य स्तर पर चलाएंगे, जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, जिसमें हम अंतिम घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम 2 महीने चलेगा, 26 जनवरी से आरंभ होगा। पहले राज्य स्तर पर मीटिंग होगी, फिर जिला स्तर पर मीटिंग होगी, ब्लॉक स्तर पर होगी, उसके बाद हर गांव में हम एक यात्रा निकालेंगे और हर एक घर में एक राहुल जी का अपील, एक मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट और एक स्टिकर भारत जोड़ो का, यानी भारत जोड़ो का जो संदेशा है, जो देश के नफरत का माहौल खत्म करने का जो प्रयास हमारा है, उसको हम आखिरी घर तक पहुंच। बता दें, राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तो जा रही है, इसके समानांतर कई राज्यों में भी इसी तरीके की पदयात्राएं हो रही हैं। वह भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा ना सही उस जैसी ही है। बता दें, 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा जनवरी में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। पूरी यात्रा 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी बताई जा रही है।